का फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरू हो चुका है आपका सबसे फेवरेट शो, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम सुबह सुबह आपको बताते हैं, ताकि अभी से ही आप दिन भर के लिए हर खबर से हो जाए पूरी तरह से अपडेट। जी हां, आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देश के कोने कोने से खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। आज देश की सबसे बड़ी खबरें कौन सी है, चाहे वो किसानों के आंदोलन से जुड़ी हो या फिर दूसरी कुछ राजनीति से जुड़ी खबरें, हर खबर आपको डिटेल में बताएंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। तो आज की सबसे बड़ी खबर के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। किसान जो कि दिल्ली कूच की तैयारी में है, क्योंकि कल जब चंडीगढ़ में उनकी सरकार के साथ बातचीत फेल हो गई, तो ऐसे में यही आशंका अब जताई जा रही है कि दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों का जमावड़ा लगने वाला है, और इसको लेकर पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील कर दी गई है। जगह जगह रूट डाइवर्स किए गए हैं, जितने भी दिल्ली से जुड़े बॉर्डर्स हैं उन सबको सील कर दिया गया है। सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, हर जगह सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा दी गई है। देखिए रिपोर्ट में कि क्या दिल्ली में तैयारी है। किसान आंदोलन 2.0 का नया चैप्टर आज दिखने वाला है। चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र के बीच बात नहीं बनने पर किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला किया, जिसके मद्देनजर दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर नोएडा बॉर्डर तक सुरक्षा का मजबूत घेरा बनाया गया। सरकार ने MSP गारंटी समेत तमाम मांगों पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन किसान नहीं माने। अब आज दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा इकट्ठा होगा। सहमति बनी है कि हम आपके जो केस चल रहे हैं वापस लेंगे, तो वो तो 3 साल पहले भी आप बोल चुके थे, लिख के दिया था केस वापस लेंगे, तो ये छोटी छोटी चीज थी, पर हमारे मेजर इशू भी 3 थे। तो क्या आंदोलन जारी रहेगा और दिल्ली कूच करेंगे? जारी रहेगा, दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर 7 लेयर में बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तैयारियों का जो तरीका है वो मैं व्यवस्था आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। देखिए, ये आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे कि 7 लेयर की यहाँ पे कटीले तारों के जरिए बैरिकेडिंग करने की कोशिश की गई है। ये देखिए कि कितने हैवी बैरिकेड्स यहाँ पे लगाए गए हैं, और साथ ही साथ हर उन बैरिकेड्स के ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। सबसे आगे देखिए कि ये हैवी कॉन्क्रीट के ये जो है बैरिकेड्स है वो लगाए गए हैं, जिसके ऊपर 2 लेयर के कटीले तार लगाए गए हैं। दिल्ली के झरोदा बॉर्डर पर कांटेदार बैरिकेडिंग के साथ मिट्टी से भरे ट्रक खड़े किए गए, तो वहीं टीकरी बॉर्डर पर भी प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए। कटीले तारों के साथ बैरिकेडिंग यहां पर तैयार है, इसे तुरंत रास्ते में लगा दिया जाएगा। इसके अलावा कोशिश ये है कि इस पूरे रास्ते को अगर आप देखेंगे तो सीमेंट के बड़े बड़े ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। कोशिश पूरी तरीके से यही होगी कि इसी जगह पर किसानों को रोक दिया जाए। पश्चिमी यूपी से भी किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे। इसे देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर ना सिर्फ CCTV बल्कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए सड़क पर कंक्रीट और सीमेंटिक बैरिकेडिंग बनाई गई है। ये देखिए, कंक्रीट और सीमेंट का मिक्सचर इसके अंदर डाला जा रहा है, और एक मजबूत दीवार ये जो है वो तैयार की जा रही है। इसके साथ ही देखिए, तेजी के साथ यहाँ पर जो मजदूर हैं वो आपको काम करते हुए नजर आ रहे होंगे। सिंधु बॉर्डर हो या फिर इसके साथ ही चीला बॉर्डर हो या फिर टीकरी बॉर्डर हो, वहां पर भी बैरिकेटिंग मल्टी लेयर्स में किए गए हैं। सीमेंटेड बैरिकेटिंग के साथ दीवार तैयार की जा रही है, फेंसिंग किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर के साथ ही नोएडा बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। किसानों को रोकने के लिए यहां पर भी हर तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पुलिस की तैयारी तो पुख्ता है, लेकिन किसानों ने भी दिल्ली कूच को लेकर जबरदस्त तैयारी कर रखी है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जहां संग्राम देखने को मिला, वहीं पंजाब के फतेहगढ़ में सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली की कतारें लग गई हैं। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि पंजाब से ही किसान नहीं आ रहे हैं दिल्ली, बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, और यही वजह है कि प्रशासन राजस्थान और MP में भी अलर्ट मोड पर है। किसान अलग अलग राज्यों से भी दिल्ली कूच कर रहे हैं। पंजाब ही नहीं बल्कि राजस्थान, कर्नाटक और MP से भी किसानों के दिल्ली कूच करने की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए भी राज्यों की तैयारी पुख्ता है। दिल्ली कूच को लेकर किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे हैं, जहां से वो दिल्ली कूच करेंगे।
दिल्ली कूच के लिए पंजाब के किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। पंजाब के कई जिलों से ट्रैक्टर ट्रॉली आना शुरू हो गए। इस वक्त हम पंजाब के फतेहगढ़ जिले में हैं, जहां आप देखिए किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जो दूर दराज के जिले हैं, खासकर सीमावर्ती जो जिले हैं, चाहे वो अमृतसर हो, गुरदासपुर हो, मोगा हो, तरन तारण हो, वहां से जो किसान है वो अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आप देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर और उनमें काफी जो राशन है या जरूरत की चीजें हैं वो लेकर किसान यहां पर पहुंचे हैं। और किसान आंदोलन का जो पार्ट टू है वो अब यहां पर शुरू होने जा रहा है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर तो बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हो चुके हैं। यहां उन्हें हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस तक छोड़ने पड़े। वहीं दिल्ली कूच को लेकर किसान शंभू बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को भी तोड़ते दिखे। राजस्थान से भी किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स के साथ कई लेयर में बैरिकेडिंग तक की। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली आगे ना जा सके इसके लिए सड़कों पर कीले तक बिछा दी गयी। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस ने कर्नाटक से दिल्ली जा रहे किसानों को भी आगे जाने से रोका। उन्हें एक स्थानीय मैरिज हॉल में ही रोक लिया गया। कर्नाटक से आए इन किसानों को भोपाल पुलिस ने ट्रेन में हिरासत में लिया था, उन्हें वहीं रोक लिया गया। और बात करते हैं हल्द्वानी में हुए दंगे की, जिसको लेकर के धामी सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में है। जो दंगा करने वाले लोग थे वो वहां पर काफी दहशत में है, क्योंकि पत्थरबाजों के घर पर अब ताला लटका हुआ है। उपद्रवियों का एक और वीडियो इस दौरान सामने आया, जिसमें वो जमकर तोड़फोड़ और आगजनी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस वीडियो में। एक एक आंसू का हिसाब होगा। सिवाय भगवान के प्रार्थना करने के अलावा और कुछ सूझ ही नहीं रहता। दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। आग लगा दी। जिन्होंने आगजनी की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी दंगे का ये सबसे नया वीडियो है। वीडियो में देखिए दंगाई कैसे आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, भगदड़ मची है, आग लगाओ की आवाज आ रही है। आग लगा दी। इन्हीं दंगाइयों ने तो हल्द्वानी के अमन चैन को छीनने की कोशिश की। 8 फरवरी की तारीख हल्द्वानी वाले कभी नहीं भूल पाएंगे। पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, कहाँ है। फिर हमने कहा पुलिस तो सामने होगी, पर जब देखा कि पुलिस वालों को ऐसा, कहाँ होगा हमारा भाई, एक ही भाई हमारा, हम बहने बहने। ये भी हल्द्वानी दंगे के पीड़ित हैं। 3 बहनों के बीच एक भाई जिसे दंगाइयों ने निशाना बनाया, फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। ऐसे 1-2 नहीं सैकड़ों लोग हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। छोटी सी बच्ची 2.5 साल की, बच्चों को छोड़ के, 3 बच्चों को छोड़ के मैं अकेले आई। हल्द्वानी के हैवानों ने जहाँ कोहराम मचाया था, वहाँ सन्नाटा है। सरकार के कड़े रुख को देखते हुए पत्थरबाज परिवार के साथ गायब हो रहे हैं। लोगों के घरों पर ताला लटका है। और बताया ये जा रहा है कि कुछ उपद्रवी जो हैं वो पुलिस के डर से ताला लगाकर निकल गए हैं। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे पूरा इलाका। आपको देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। सरकार ने हिंसा के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए दंगे के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ 2,44,00,000 का नोटिस भेजा है, जिसे 15 फरवरी तक जमा करना होगा। बता दें कि अब्दुल मलिक इस पूरे दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसी ने दंगे की पूरी स्क्रिप्ट के तैयार की थी और फिलहाल पुलिस दंगाइयों की पहचान कर रही है, उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिन के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले 4 लोगों को मुंबई से यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या तो आपको ये भी बताते हैं कि क्या था इनका फर्जीवाड़े का मॉड्यूल, क्या डिटेल में ये काम कर रहे थे, और आपको ये भी समझा देते हैं कि कैसे अब यूपी में फर्जीवाड़े का खेल योगी सरकार बिल्कुल नहीं चलने देगी। अवैध हलाल सर्टिफिकेट जारी कर धोखाधड़ी करने के आरोप में यूपी एसटीएफ ने मुंबई के हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम है
मौलाना हबीब यूसुफ पटेल हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, मौलाना मुईज शीर सपाडिया हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष, मोहम्मद ताहिर जाकिर हुसैन चौहान जनरल सेक्रेटरी हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, मोहम्मद अनवर ट्रेजरर हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब जरा ये समझ लीजिए कि क्या होता है हलाल सर्टिफिकेट और कौन इसे जारी करता है। हलाल का मतलब इस्लामिक कानून से बने प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं, लेकिन हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया जो सर्टिफिकेट दे रही थी उनको इसका कानूनी अधिकार नहीं है और इसी आरोप के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। भारत में किसी कानूनी अधिकार है हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का, ये भी जान लीजिए। 12 कंपनियां देती हैं हलाल सर्टिफिकेट। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए हिंद, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। हलाल सर्टिफिकेट में सरकार का कोई दखल नहीं होता। कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर गोरख धंधा कर रही हैं और इसमें डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा है और ये भी आरोप लग रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से हो रही कमाई से राष्ट्र विरोधी और आतंकी गतिविधियों की फंडिंग की जा रही है। इसके साथ ही मजहब की आड़ में धर्म विशेष को भड़काया भी जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री की ये यात्रा वाकई बेहद खास होने वाले हैं क्योंकि भव्य मंदिर का वो वहां पर उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का ये जो दौरा है वो यूएई और भारत के रिश्ते के लिहाज से बहुत ज्यादा मजबूती देगा क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के समझौते होने हैं। पीएम मोदी के यूएई में क्या क्या कार्यक्रम होने हैं वो भी आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। कुछ इसी तरह की तस्वीर एक बार फिर दिखाई पड़ सकती है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं जहां उनका बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। एक तरफ वो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ वो अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी। दुबई में आयोजित होने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में सम्मानित अतिथि के रूप में वो हिस्सा लेंगे। साथ ही शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का खास संबोधन भाषण भी होगा। जायद स्पोर्ट्स सिटी में स्पेशल प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा यूएई और भारत के रिश्तों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। बीते 8 महीनों में पीएम की यूएई की यह चौथी यात्रा होगी। इस दौरे पर दुनिया भर की निगाहें हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक रणनीतिक साझेदारी और बढ़ाई जाएगी। मोदी अपने यूएई दौरे के दौरान आज अबू धाबी में भारतीय प्रवासियों के कार्यक्रम में भी को भी संबोधित करने वाले हैं। जिस स्टेडियम में एहलान मोदी का कार्यक्रम रखा गया है उस स्टेडियम में कैसा उत्साह है वो भी आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा वहीं पर मौजूद है। एहलान मोदी कार्यक्रम को लेकर के किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही है, देखिए ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट के जरिए। इस वक्त हम जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम अबू धाबी में मौजूद है और ये वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एहलान मोदी कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये स्टेडियम जिसे आप देख रहे हैं ये किसी बड़े और भव्य इवेंट के होने का पूरा पूरा इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है क्योंकि यहां पर आप देखिए ये फुटबॉल स्टेडियम जैसा दिख रहा है। बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है इधर भी और उधर भी, दिखाइए उधर भी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई है और वो मंच जहां पर आप बहुत सारे डायमंड रूपी एलईडी स्क्रीन पर आकृतियां आते हुए देख रहे हैं ये वो जगह है जहां पर नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। हमारे साथ जितेंद्र भाई मौजूद हैं जो इस कार्यक्रम को बहुत करीब से मॉनिटर कर रहे हैं और पूरी तैयारी देख रहे हैं। जितेंद्र भाई ये तो एहलान मोदी तो लग रहा है जैसे हमने हाउडी मोदी और दूसरे कार्यक्रम देखे थे उससे भी कुछ बड़ा होने की उम्मीद दिख रही है जब हम यहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत जबरदस्त तैयारी। मुझे लगता है जब मोदी नाम की गूंज शेख जायद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम से उठेगी तो एक बार ये साबित होगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को चाहने वाले एनआरआईज यूएई में सबसे ज्यादा बसते हैं। और ये बताइए कि इसको लेके कितना उत्साह है लोगों में। मैंने सुना आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है किसको पास दें, किसको टिकट दें, नहीं दें। देखिए 2nd February को वी वर टोल्ड टू स्टॉप द रजिस्ट्रेशन बिकॉज इतने लोग आ गए। हमको भी देखना है मोदी जी को। 65,000 जो है ये क्रॉस कर चुका था 2 फरवरी को। 2 फरवरी को और हमने रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया अदरवाइज वो और भी ज्यादा चला जाता। ये प्रमोद कृष्णम पिताधीश्वर है 19 फरवरी को जहां
कल्कि धाम मंदिर का वो शिलान्यास करेंगे और इससे पहले सीएम योगी ने कल्कि धाम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। जी हां, कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम है जिन्हें हाल ही में कांग्रेस ने पार्टी ने निष्कासित कर दिया। प्रमोद कृष्णम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। एक और अहम खबर आपको बताएं जिसमें अखिलेश के करीबी और गठबंधन में साथी रहे जयंत चौधरी ने भी अपनी राहें अब उनसे अलग कर ली हैं। जयंत चौधरी अखिलेश का साथ छोड़ रहे हैं और खबर तो यह है कि जल्द ही एनडीए में उनके शामिल होने का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। बहुत कम समय में अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा। राजनीति में ऐसा ही होता है, सोचने का वक्त कहाँ मिलता है, लेकिन सबसे करीबी साथी को ना पता हो तो थोड़ी हैरानी जरूर होती है, जैसे अखिलेश को नहीं हुई। अखिलेश यादव को भी भनक नहीं लगी कि चुनाव से पहले जयंत खेला कर जाएंगे। बीजेपी के साथ जाने की खबर सोशल मीडिया पर कई दिनों से तैर रही थी, लेकिन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा के बाद से ये तय माना जाने लगा कि जयंत साइकिल छोड़कर कमल की शरण में जाएंगे। बस इंतजार था जयंत के ऐलान का या विधायकों की हां का। फिर क्या, जयंत मीडिया के सामने आए और दिल की बात कह दी। मैंने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा। जयंत और अखिलेश के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा था। अखिलेश कुछ समझ पाते उससे पहले ही बीजेपी ने खेला कर दिया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी और फिर वही हुआ जो बीजेपी चाहती थी। जयंत का मन प्रफुल्लित हो उठा। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। जयंत खुश हैं, वो जल्द ही बीजेपी के रथ में सवार दिखाई देंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देंगे। और दीपिका, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और खासतौर पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां जहां पहुंचती है उनके पहुंचने से पहले ही वहां खेला हो जाता है। जी आप देख लीजिए, नीतीश और जयंत के बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, राहुल गांधी की माने तो कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोल रही है, इंडी गठबंधन को मजबूत करने की कवायद चल रही है, लेकिन राहुल की किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही। उनके कदम पड़ने से पहले ही खेला हो जाता है, इन तस्वीरों से समझिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार पहुंचने से पहले नीतीश कुमार ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। यूपी में कदम रखने से पहले जयंत ने थैंक यू कह दिया और राहुल के मुंबई पहुंचने से पहले अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी तो गठबंधन में थे, माना बात नहीं बनी, वो चले गए, लेकिन अशोक चव्हाण कांग्रेस के पुराने नेता थे। कांग्रेस की सरकार में वो मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस ने उन्हें तवज्जो भी दी। फिर ना जाने वैलेंटाइन डे से पहले ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी के आने से पहले ही पार्टी से नाता तोड़ लिया। पार्टी ने उनको अपनी काबिलियत से भी ऊपर हटकर ज्यादा कुछ दिया है, अफसोस होता है, उदासी होती है, मायूसी होती है, पर यह साफ हो गया है कि जो एक विशेष वॉशिंग मशीन चलता है हमारे देश में वो बहुत प्रभावशाली है। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनके जाने से कांग्रेस टूट जाता है। चव्हाण भले ही ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अशोक चव्हाण 15 फरवरी को वैलेंटाइन डे के अगले दिन बीजेपी से अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। कार खरीदने जाते हैं तो आप भी सबसे ज्यादा जिस चीज का गौर करते हैं, जिस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं, वो है सेफ्टी। और इसी फीचर्स को देखते हुए महंगी से महंगी कार भी खरीदने से आप गुरेज नहीं करते। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसके बाद आप भी एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑडी कार जब उसमें आग लग सकती है तो फिर भला सेफ्टी की बात इंसान कहाँ करे। आपको तस्वीरें दिखाते हैं हरियाणा हिमाचल से, जैसे सड़क पर फर्राटा मार रही ऑडी कार में आग लग गई। हरियाणा में सड़क पर दौड़ रही ऑडी कार आग का गोला बन गई। इस हादसे में दो भाई सवार थे जो गाजियाबाद से शिमला घूमने जा रहे थे।
हादसे के बाद सड़क पर हड़कंप मच गया, लेकिन समय रहते कार से बाहर आकर दोनों भाइयों ने अपनी जान बचा ली, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। पंचकुला शिमला हाईवे पर पिंजोर में सूरजपुर के पास हुआ यह हादसा। हादसे में बाल बाल बचे गाजियाबाद निवासी अमित सांगवान के मुताबिक सूरजपुर के पास गाड़ी गर्व हो गई, बोनट से धुआं निकलने लगा। जैसे तैसे वो गाड़ी से बाहर निकले, तभी बोनट फट गया और आग की लपटें निकलने लगी। करीब 35 मिनट ट्रैफिक जाम रहा। जाम इतना ज्यादा था कि आग बुझाने के लिए कालका से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को घटना स्थल पर पहुंचने में परेशानी हुई। पंचकुला से फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। आग इतनी तेजी से लगी कि गाड़ी से सामान भी नहीं निकाल सके। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अमरावती पुलिस चौकी इंचार्ज प्रताप सिंह टीम के साथ पहुंचे और ट्रैफिक को रोका। चार बच्चे गड्ढे में गिर गए और उनकी मौत हो गई, लेकिन टीएमसी इस पर भी सियासत कर रही है, बीएसएफ पर आरोप लगा रही है। टीएमसी का कहना है कि बीएसएफ ने यह गड्ढा खोदा था जिसमें गिरने से बच्चों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि खेलते खेलते बच्चे इस गड्ढे में जा गिरे थे। वीडियो में जेसीबी मशीन दिख रही है, लोगों की भीड़ लगी है, लोग चिल्ला रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। दरअसल ये वीडियो पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सामने आया है, जहां गड्ढे में गिरने से चार बच्चों की मौत हो गई। लेकिन इस मौत के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। टीएमसी का आरोप है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की ओर से खुदाई का काम किया जा रहा था, इसी गड्ढे में गिरने से बच्चों की मौत हुई है। जबकि बीएसएफ ने इन आरोपों को खारिज किया। पुलिस ने भी बयान जारी कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास खाई में खेलते समय बच्चे गिर गए थे और उन सभी बच्चों की दम घुटने से मौत हुई है। बीएसएफ पर लगाए सभी आरोपों को गलत बताया। हादसे के बाद इलाके में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, ऐसे में तृणमूल कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन करने जा रही है।